हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हमारे सम नंबर 26 से। सम नंबर 26 में कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2/x-3, ऐसा एक फंक्शन है। x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर लेना है, लेकिन हमें उसमें से 0 और 3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1/3 एंड एफ ऑफ -3। अलग अलग से सब वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2, 1/3 एंड -3। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 पुट करके देखते हैं क्या होगा। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, पुट 1 इंस्टेड ऑफ x, 1/1 प्लस 2/1-3। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, 1/1 गाइस कितना हो जाएगा 1, प्लस 2/1-3 कितना हो जाएगा 2/-2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय -2 कितना होता है गाइस, -1। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 1-1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वन जो है उसका आंसर हमें मिला है 0। नाउ वी आर पुटिंग द सेकेंड वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2-3। क्लियर? 1/2 एज इट इज प्लस 2/2-3, इट मीन्स कि 2/-1 प्लस माइनस का इस क्या हो जाएगा, माइनस। इट मीन्स कि ये ऐसा हो जाएगा कि 1/2-2। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या होगा, 2 × 4। इट मीन्स कि 1-4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा गाइज, -3/2। ये हमें सेकेंड वन का आंसर मिला कि एफ ऑफ 2 होगा। तो नाउ वी आर पुटिंग द एफ ऑफ 1/3। इट मीन्स कि एक्स की जगह पे अब हमें कितना पुट करना है, 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/1/3 प्लस 2/1/3-3। क्लियर? यहाँ पे देखो गाइस, डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा गाइस, 3 × 3 9। इट मीन्स कि 1-9 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इट मीन्स कि ये जो 3 है वहाँ, ये कहाँ पे चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा गाइज, 6, और डिवाइडेड बाय 1-9 कितना होता है गाइज, -8। क्लियर? अब ये साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बीच में साइन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3-6/8 ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा क्या होगा गाइज, 8 × 3 कितना होता है, 24, एंड 24-6 गाइज कितना होगा, 18/8। क्लियर गाइज? अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? ये आप कट करोगे तो कितना हो सकता है कि 9/4 लिख सकते हैं इसको। क्लियर? 9/4 अगर आप कट करते हो तो, नहीं कैंसिल करते हो तो भी चलेगा। अब हमें पुट करना है एफ ऑफ -3। इट मीन्स कि एफ ऑफ -3 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा गाइज, 1/-3 प्लस 2/-3-3। क्लियर गाइज? ये कैसा हो जाएगा, 1/-3, इट मीन्स कि -1/3 हो जाएगा, प्लस 2/-3 कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अल्टीमेटली साइन हमारा क्या हो जाएगा, -2/6। क्लियर? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा कितना होगा गाइस, 6। यहाँ पे हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, -2/-2। इट मीन्स कि -4/6। अगर आप इसको कैंसिल करके लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, -2/3। क्लियर गाइज? अगर आप कैंसिल करते हो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, सम नंबर 27 हमारा क्या कहता है। If f of x is equal to 1/x, हमारे पास f of x का सिर्फ इतना फंक्शन है 1/x करके, x belongs to z, उसमें से हमें माइनस क्या कर देना है, z में से -1, 0 and 1। हमें प्रूफ करना है गाइज, f of x plus 1 में से f of x minus 1 अगर माइनस करते हो तो हमें कितना मिलना चाहिए, 2/1-x2 इतना मिलना चाहिए। क्लियर? तो पहले तो इन दोनों को माइनस करने के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू का होना जरूरी है। तो पहले ये दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं और डायरेक्टली उसमें पुट कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग इन दोनों का रिलेशन करते हैं। तो कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। क्लियर? अब हम लोग एक्स प्लस 1 की जगह पर ये दोनों पुट करते हैं, हमें एक्स प्लस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन में जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे सब में क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1, और ये फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे x माइनस 1। इट मीन्स कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन
एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्लियर गाइज, ऐसा फंक्शन हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास साइन माइनस का या फिर प्लस का होता है हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम गाइज हमारा क्या होगा कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये x माइनस वन यहाँ पे आएंगे और बीच में साइन ऑलरेडी माइनस का है ही, और ये x प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर गाइज, अब हम लोग इन दोनों के ब्रेकेट को ओपन करते देखते क्या होता है। x माइनस वन, बीच में साइन माइनस है, इट मीन्स कि ये दोनों के जो वैल्यूएशन है बाहर आते ये तो कैसा हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन और x माइनस वन, इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे देखो प्लस वन सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, हमारे पास सिर्फ कितना बचा माइनस वन माइनस वन, इट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन स्क्वायर। क्लियर, अब देखो हमारा अल्टीमेटली आंसर हमें ऐसा मिला है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पे माइनस टू है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए प्लस टू, अपोजिट साइन करना पड़ेगा। गाइज आप जो भी चेंज करते हो पूरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे अपोजिट साइन देते हो तो नीचे भी सब में अपोजिट साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि टू डिवाइडेड बाय, ये टू माइनस था तो प्लस कर दिया, तो ये एक्स प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन है तो वो क्या हो जाएगा प्लस वन, और ये स्क्वायर। अब इन दोनों को आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आगे माइनस साइन अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग उसको ऐसा प्रूफ करने के लिए ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, सम नंबर ऑफ 28, क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा डेटा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को मिलाते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो पहले तो इन दोनों का प्लस करने के लिए हमारे पास दोनों का वैल्यू होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स तो रेडीमेड अवेलेबल है ही, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या करेंगे, सिंपली ये पूरे फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स है पुट माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं डायरेक्टली कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का डायरेक्टली वैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज ही पुट कर देंगे हम लोग, क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस हमें करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, इट मीन्स कि जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स। क्लियर, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज ही रख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा गाइज माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस एक्स इंटू माइनस टू गाइस कितना हो जाता है प्लस टू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स। क्लियर गाइस, अब इनका ब्रेकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में साइन प्लस का ही है, इट मीन्स कि ये साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन्स कि ये कैसा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स एंड माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कैंसिल, टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस अगेन कैंसिल, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगेन कैंसिल, इट मीन्स कि अल्टीमेटली हमारा आंसर सिर्फ कितना बचने वाला है जीरो। हमें क्या प्रूफ करना था कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर गाइस, नेक्स्ट वन हम लोग सम देखते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इट मीन्स कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स करके ऐसा फंक्शन है कि एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ऐसे दो फंक्शन है। गाइज जब भी हमारे पास टू फंक्शन अवेलेबल होते हैं हमें हिंट मिली जाती है कि हमें क्या करना है, पहले तो चेक करना हो सकता है कि ये इक्वल है या नहीं, या तो फिर प्रूफ करना हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा एक्स बिलोंग्स टू है जीरो वन एंड टू, यानी कि हमें एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करने के लिए सिर्फ कौन कौन सी लेनी है जीरो वन एंड टू। प्रूफ दैट एफ इज इक्वल टू जी, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू कंडीशन फॉर द इक्वालिटी, फर्स्ट वन डोमेन मस्ट बी सेम एंड सेकेंड वन रेंज मस्ट बी सेम। डोमेन तो बाय डिफॉल्ट सेम ही है, दोनों के बीच में एक ही दिया है, तो अब सेकेंड वन कंडीशन चेक करना क्या करेंगे, बारी बारी से फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। चलो फर्स्ट वन करते हैं एफ ऑफ जीरो, इट मीन्स कि जीरो का क्यूब कितना हो जाएगा जीरो, फिर है एफ ऑफ वन, वन का क्यूब हो जाएगा वन, एंड फिर है एफ ऑफ टू, टू का क्यूब हो जाएगा एट। क्लियर,
नाउ द टर्न ऑफ जी ऑफ एक्स में पुट करते हैं पहले जीरो, क्या हो जाएगा 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाएगा जीरो, अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस जीरो जीरो, क्लियर। नाउ पुटिंग द वन इंस्टेड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन, वन का स्क्वायर होता है वन और वन इंटू थ्री हो जाएगा थ्री, टू इंटू वन टू और कितना हो जाएगा अल्टीमेटली वन। नाउ वी आर पुटिंग द इंस्टेड ऑफ एक्स हम लोग टू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू, टू का स्क्वायर होता है गाइज 4 एंड 4 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 12 और 2 इंटू टू हो जाएगा गाइज 4, इट मीन्स कि ये कितना होगा 8। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज है 0, 1 एंड 8, यहाँ पे भी 0, 1, 8, इट मीन्स कि हमारे जो रेंज है वो भी कैसे है सेम है, हमारे जो रेंज है वो कितने मिले हमें 0, 1 एंड 8, यहाँ पे भी हमारा आर एफ क्या है 0, 1 एंड 8, सो दैट्स वाई एफ इज इक्वल टू जी, क्लियर।